हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? हमने डिटरमिनेंट के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम एडजॉइंट और इनवर्स की एक सुपर ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ये सुपर ट्रिक क्या है या हम कैसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में एडजॉइंट या इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, वो इस ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ वी शुड स्टार्ट। हम सुपर ट्रिक मेथड से एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एक क्वेश्चन ये करता है, लेट ए इक्वल्स टू 1 1 3 0 1 माइनस 1 2 0 4, देन फाइंड इट्स एडजॉइंट। पहले हम एडजॉइंट देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इनवर्स निकाल के देखेंगे। इस ट्रिक से देखोगे आप कि बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसके एंट्रीज को एज इट इज लिखते हैं। हमने जो भी मैट्रिक्स ली थी उसके एंट्रीज को लिख लिया। फिर आप फर्स्ट टू कॉलम्स को रिपीट करके लिखने जा रहे हैं, 1 0 2 1 1 0। हमने फर्स्ट टू कॉलम को रिपीट करके लिख लिया। अब ये जो मैट्रिक्स बन गई है इसमें फिर से ये जो रो आ रहा है वो फर्स्ट रो और सेकेंड रो को रिपीट करके लिखना है, 1 1 3 1 1 0 1 माइनस 1 0। आपने पहले क्या किया, दो कॉलम को रिपीट करके लिखा, फिर से जो मैट्रिक्स बन गई थी उसी का दो रो को रिपीट करके R1 और R2 को रिपीटेड करके लिखते हैं। ये इसलिए लिखते हैं कि दैट इज अ ट्रिक इन हिडन ट्रिक इन दैट। सो नाउ वी पिक अप 5 × 5 लाइक दैट। अब क्या करना है आपको, इस वाले फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ देना है और ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देना है, तो इनको हटा देना है। हटाएंगे नहीं, ऐसे ही कट कर देंगे, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं इसका एडजॉइंट क्या बन जाएगा। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होगी, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 3 × 3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंट्री का एंट्री 1 पे, 1 पे आके हम डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 का और इसका इसके साथ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसका, फिर इस डायगोनल का, फिर ऐसे हम पहले कर चुके हैं। 1 को 4 मल्टीप्लाई करके 4 आएगा और ये साइन माइनस साइन के साथ लिया जाता है, तो 0 के साथ -1 0 देगा, ये आपकी वैल्यू आ रही है 4। दूसरी एंट्री आ रही है 0 × 3, दैट गिव्स यू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स यू 4, बट वी टेक साइन माइनस, तो दिस विल राइट हियर -4। थर्ड 1 - 1 - 1 और 1 और 3 - 3, सो इट गिव्स यू -4, ठीक है। हमने कॉलम में ऑपरेशन किए हैं और रो में लिखे हैं, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट आपने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, इसलिए हम ऑपरेशन कॉलम में कर रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं रो में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब आप इस वाले डायग्राम का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, -1 × 2, दैट गिव्स यू -2 4 0 बना देगा 0, सो इट गिव्स यू -2। नेक्स्ट एंट्री 4 × 1 गिव्स यू 4 एंड हियर 3 × 2 दैट गिव्स यू 6, बट वी टेक माइनस, सो 4 - 6 दैट गिव्स यू -2, 3 × 0 दैट गिव्स यू 0, -1 × 1 गिव्स यू -1, बट वी टेक नेगेटिव साइन हियर, सो इट बिकम्स +1। अगेन कम द लास्ट वन 0 - 2, सो इट इज -2, हियर 2 - 0 दैट गिव्स यू 2 एंड हियर 1 - 0 दैट गिव्स यू 1, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो चुका है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, whose entries आर
2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3. Find inverse of this matrix. Solution आप देखिए, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट से हम इसको नहीं करना है, ठीक है? लेकिन फार्मूले में आपके क्या आता है, डिटरमिनेंट इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट पहले हम फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट आपको निकालना, पहले भी मैंने बताया 1 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 हो जाएगा, ये आपकी एंट्री 0 है, इसलिए 0 लिखा जाएगा। और ये आप जितना भी चार्ज ले सकते हो, 5 3 माइनस 0, और ये माइनस 1 है, और ये आपको 5 माइनस 1। नाउ वी सॉल्व दैट इज 6 माइनस 0 एंड इट शुड बी द माइनस 5, सो फाइनली वी हैव 1 दैट इज नॉट 0, सो इनवर्स एक्सिस्ट। डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें करनी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस था एडजॉइंट, तो हम एडजॉइंट को अभी सुपर ट्रिक मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत इजीली लेस टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो एडजॉइंट फॉर एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कहा इस मैट्रिक्स को लिख दो आप 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, जो भी मैट्रिक्स दी गई थी उसके हमने एंट्रीज को लिख दिया। अब हम फर्स्ट टू कॉलम के एलिमेंट को रिपीट कर लेते हैं 2 5 0 0 1 1, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या करना था हमें कि दोनों जो ये मैट्रिक्स बन गई इसके फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट करके लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे, 2 0 -1 2 0 5 1 0 5 1, ठीक है? हमने पहले दो कॉलम को रिपीट करके लिखा था, अब दो रो को रिपीट करके लिखा है। इस रो को लिख करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं। अब हम जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, ये इधर मल्टीप्लाई। 2 × 2 की डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते थे वैसे सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका आने जा रहा है। सबसे पहला एलिमेंट आपका आएगा 3 1 3 - 0 = 3। सेकेंड एलिमेंट आपका क्या आएगा, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा, 0 3 के साथ 0 हो जाएगा, तो -1 आएगा। थर्ड एलिमेंट 0 × 0, 1 - 1 - 1, लेकिन हम माइनस लेते भी हैं इसलिए आपके लिए +1, ठीक है? ऐसे सेम ऑपरेशन यहाँ पे 0 - 15, सो ये ऑड प्लेस पे इसलिए आपका ये +15 हो जाएगा। 0 - 15, -15 में भी लेते हैं, -15 होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 3 × 6, 6 - 0 दैट इज 6, यहां से 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं -1 × 5 दैट इज -5, और ये एंट्री 0 हो जाएगी, इसलिए -5 भी आ जाएगा। आगे 5 × 1 गिव्स यू 5 - 0, सो इट इज 5। हियर 0 × 0 गिव्स यू 0, 2 × 1 दैट इज 2, बट साइन इज -2, 2 × 1 दैट इज 2, एंड हियर इट शुड बी 0, सो दिस विल राइट इट 2। नाउ ए इनवर्स इज 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने ये ट्रिक की है उससे इजीली निकाल दिया, क्योंकि आपने देखा था प्रीवियस मेथड बहुत ही टेडियस मेथड है, दैट टेक्स मच टाइम, ओके? सो व्हेनेवर वी हैव लेस टाइम सो दैट ट्रिक इज मच यूजफुल, आर यू इन कॉम्पिटेटिव लेवल्स इफ यू यूज दिस मेथड देन दैट शुड बी द इजीली वी गेट द रिजल्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम।
So inverse now becomes, it is 1, so we should write 1 upon 1, and here 3 minus 1, 1, and here is minus 15, 6 minus 5, and 5 minus 2, 2. Since here it is 1, so it simply becomes 3 minus 1, 1, minus 15, 6 minus 5, so 5 minus 2. That is your इस तरीके से हम इनवर्स भी इस मेथड से कर सकते हैं। पहले हम एड्स वाइड फाइंड आउट करेंगे, एड्स वाइड फाइंड आउट करने के बाद हम एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर रहा हूँ। रिसर्च पर जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आप लिखोगे, ठीक है, 3 क्रॉस 3 के, 3 क्रॉस 3 के लिए फर्स्ट टू कॉलम्स को आप रिपीट करके लिख दो, जो मैट्रिक्स बन रही है उसके फर्स्ट रोज को फिर रिपीट करके लिख दो, फिर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव आउट करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बन रही है 4 क्रॉस 4 की उसमें ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशंस क्या करना होगा, जैसे 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, 1 3 3 और ये 1 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, और हम ये कॉलम ऑपरेशन करेंगे लेकिन इसको लिखेंगे रो वाइज क्योंकि हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि डिवाइड जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, इसलिए ऑपरेशन हम रो में करेंगे और लिखेंगे इसको कॉलम में, इस तरीके से आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। हमें आप बताइएगा आपको ये मेथड पसंद आया कि नहीं, बाय डूइंग कमेंट्स एंड बाय गिविंग लाइक टू